Hello friend, myself Rajiv Ranjan Patel, and today I am going to just deal about barcode. Friends, इसके पहले हमने बताया था आपको फार्माकोड के बारे में. आज हम जा रहे हैं आपको बताने बारकोड. फ्रेंड्स, बारकोड और फार्माकोड दोनों ये डिफरेंट है. तो सबसे पहले हमने इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने फार्माकोड से रिलेटेड सारे डिटेल्स हमने बताया था कि फार्माकोड क्या होता है, उसके करेक्टर्स क्या होते हैं, और कैसे फार्माकोड को हम रीड करते हैं, कैसे फार्माकोड को कैलकुलेट करते हैं. फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि बारकोड क्या होता है और बारकोड में क्या क्या कौन कौन से ऐसे करेक्टर्स होते हैं. फ्रेंड्स, सबसे पहले बारकोड को हम अगर डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, तो सबसे पहले आता है बार. बार में होता है फ्रेंड्स लाइनिंग, जो इसमें आप देख रहे हैं ये लाइनिंग है, ठीक है. कोड मीन्स की फ्रेंड्स इस लाइनिंग के फॉर्म में जो हमारा डाटा इसमें कलेक्ट है, ठीक है, दैट इज कोड. डाटा कलेक्शन फ्रेंड्स, तो हम अभी जिससे फार्माकोड क्या है, फार्माकोड आपका दो तरीके का होता है. एक होता है 1D फार्माकोड और दूसरा होता है 1D बारकोड और 2D बारकोड. तो देखिए 1D बारकोड फ्रेंड्स, 1D बारकोड क्या होता है कि केवल उसमें एक डायमेंशन होता है, ठीक है. जैसा कि हमने ये 1D, ये हमारा जो है ये 1D बारकोड है, ठीक है. केवल इसको एक ही डायमेंशन है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 1D बारकोड. और जिसमें दो डायमेंशन होते हैं, दो डायमेंशन मीन्स की लेंथ हो गया और ब्रेथ हो गया, दो डायमेंशन हो गए, और ये दो प्लेन में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 2D बारकोड, ठीक है फ्रेंड्स. तो हम पहले 1D बारकोड के बारे में पढ़ेंगे. 1D बारकोड इसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले फ्रेंड्स, ए बारकोड इज ए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा इन विजुअल मशीन रीडेबल फॉर्म. फ्रेंड्स, इसको इस फॉर्म में जो डाटा हमारा कलेक्ट है इसको विजुअली हम रीड नहीं कर सकते हैं, तो इसको रीड करने के लिए एक मशीन होता है जिसको बारकोड रीडर बोलते हैं, बारकोड रीडर, और ऑप्टिकल रीडर भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड. तो इस मशीन के थ्रू क्या है कि जब हम इसको स्कैन करते हैं, वो गन लाइक होता है, जब इसको हम स्कैन करते हैं, तो स्कैनिंग करने के बाद जो ये हमारा डाटा इसमें कलेक्ट है, बार के फॉर्म में जो डाटा कलेक्ट है वो डाटा हमारा डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है फ्रेंड. तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस बार कोड को पढ़ने के लिए हमें एक बार कोड रीडर मशीन की जरूरत पड़ती है जो इसको रीड करता है. सेकेंड फ्रेंड्स, कि बार कोड इज ए मशीन रीडेबल कोड इन द फॉर्म ऑफ नंबर एंड पैरेलल लाइन ऑफ द वेरियस विड्थ एंड स्पेसेस. फ्रेंड्स, ये इसमें ये होता है कि जैसे जो हमारा बारकोड होता है 1D बारकोड होता है, इसमें दो तरह की लाइनिंग होती है. एक होती है फ्रेंड थिक और दूसरा होती है थीन. एक थीन लाइनिंग होगी, एक थिक लाइनिंग होगी. और दूसरा फ्रेंड्स, इसके बीच की जो डिस्टेंस होता है, जो स्पेस होती है, ये हमारा इक्वल नहीं होती, ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल स्पेस होता है. हमने बताया था फ्रेंड्स कि फार्माकोड में क्या है, फार्माकोड में भी ऐसे ही होते हैं, एक थिन लाइनिंग होती है और एक थिक लाइनिंग होती है, लेकिन उनके बीच का जो स्पेस है वो स्पेस इक्वल होते हैं. बट बारकोड में क्या होता है कि ये थिक लाइन होती है, थिन लाइन होती है, बट इसके बीच के जो स्पेस है वो वेरी करता है फ्रेंड्स, ठीक है. नेक्स्ट है फ्रेंड्स की देज बारकोड नाउ कॉमनली रिफर टू द लीनियर बारकोड बोलिए, इसको आप लीनियर बारकोड बोलिए या 1D बारकोड बोलिए, दोनों बात बराबर है, इसको दोनों तरीके से हम पढ़ते हैं, लीनियर बारकोड या 1D बारकोड, ठीक है फ्रेंड्स. तो ये हमारा बारकोड के बारे में हो गया, 1D बारकोड के बारे में हुआ. सेकेंड फ्रेंड्स, हमारा 2D बारकोड, जो कि हमने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. 2D बारकोड क्या होता है, 2D बारकोड की क्या जरूरत है, क्योंकि फ्रेंड्स जो मैटर जो इसके अंदर जो भी हमारा डाटा कलेक्ट होता है दोनों में सेम ही होते हैं, बट हमें 1D जब हमारा चल रहा था, इससे काम हमारा चल रहा था, तो 2D की क्या जरूरत पड़ी. 2D का फ्रेंड्स इसलिए हमें जरूरत पड़ी कि साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, इन्होंने देखा
कि जो 2D है वो कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा हमारा डाटा को कलेक्ट करता है। आप देखिए खुद कि ये हमारा यहां से यहां तक हमारा स्पेस रिक्वायर कर रहा है। इस चीज को अगर हमें 2D वन डायमेंशनल बार कोड को प्रिंट करना हो तो हमें इतना स्पेस की जरूरत है, ठीक है, और इसमें इतना ही करेक्टर ये कैरी कर रहा है। बट हमारा 2D में क्या है कि 2D में हमारा स्क्वायर फॉर्म में है या रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है और इसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने यह 2D बारकोड का डेवलपमेंट किया, ठीक है। 2D बारकोड रिप्रेजेंट मोर डाटा पर यूनिट एरिया, ये ज्यादा से ज्यादा कम से कम सब एरिया में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करता है। सेकेंड है फ्रेंड्स 2D बारकोड सिमिलर टू 1D बारकोड, मैंने बताया फ्रेंड्स दोनों डाटा कलेक्शन के मायने में सेम है बट जो इनका एरिया रिक्वायर करने का है वो डिफरेंट है फ्रेंड्स। थर्ड है कि स्टोर अप टू 789 करेक्टर्स फ्रेंड्स, 2D में 7089 इतना करेक्टर डाटा जो है इसके अंदर कलेक्ट होते हैं, जबकि हमारा वन डायमेंशनल बारकोड में 8 से 15 तक ही करेक्टर ये इसमें स्टोर होते हैं। दूसरा फ्रेंड्स की क्विक रिस्पांस कोड, ये अगर हम इन दोनों को रीड करते हैं तो सबसे ज्यादा जिसके क्विक रिस्पांस आता है वो हमारा 2D बारकोड का आता है। स्टोर इंफॉर्मेशन इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, जो फ्रेंड्स जो हमारा जो हमारा डाटा इसमें कलेक्ट होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये दो फॉर्म है इसमें, जबकि हमारा हॉरिजॉन्टल ही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा होता है 2D बारकोड और 1D बारकोड। फ्रेंड्स बारकोड को अगर डिवाइड करते हैं तो इसको दो पार्ट में करते हैं, जैसा कि हमने बताया है पहले, वन डायमेंशनल बारकोड एंड टू डायमेंशनल बारकोड। वन डायमेंशनल बारकोड में क्या क्या आता है, जैसे कोडा बार आता है फ्रेंड्स, जीवस 1128 जैसे, जिसको हम लोग GTIN बोलते हैं, GS1 डाटा बार, EAN कोड 39, कोड 128 ETC, इसमें और भी कई सारे हैं फ्रेंड। और 2D बार कोड में क्या आता है, जैसे डाटा मैट्रिक्स AR कोड, डॉट कोड, QR कोड और स्क्वायर। फ्रेंड्स हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डाटा मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे हम 2D प्रिंटिंग करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं रेगुलेटरी प्लांट में, ये यूज करते हैं डाटा मैट्रिक्स का। इसमें जब हम 2D प्रिंट करते हैं तो 2D प्रिंट के साथ फ्रेंड्स उसमें GTIN नंबर, बैच नंबर, एक्सपायरी और सीरियल नंबर होते हैं। तो इस चीज को हम 2D बार कोड में डाटा मैट्रिक्स में इसको हम कोड करते हैं। फ्रेंड्स QR कोड क्या होता है, जैसा कि आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट अमेजन उस पर एक कोड बना होता है, इस तरीके का कोड बना होता है, वो हमारा QR कोड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा फ्रेंड्स रहा कि वन डायमेंशनल बारकोड क्या होता है, टू डायमेंशनल बारकोड क्या होता है। और फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जब हम 2D ये 2D हमारा होता है, इस 2D में 2D बारकोड में G01 जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारा GTIN को रिप्रेजेंट करता है, 10 जो है वो हमारा बैच नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और 21 जो है वो हमारा सीरियल नंबर को डिनोट करता है, और फ्रेंड्स 17 जो होता है वो हमारा एक्सपायरी को डिनोट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा पूरा डिटेल्स रहा फ्रेंड्स 2D बारकोड एंड वन डायमेंशनल बारकोड का। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स ये हमारा जो 2D और वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल जो बारकोड होता है, ये हमारा कमर्शियली सेल एंड पर्पस परचेज के लिए हम लोग यूज करते हैं, जबकि हमने बताया था कि फार्मा कोड जो होता है वो केवल हमारा इंटरमिक्सिंग, जो फार्मा इंडस्ट्री पैकिंग डिपार्टमेंट में यूज करते हैं, उसके केवल इंटरमिक्सिंग से बचाने के लिए हम उसको यूज करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको हम बताने जा रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन फार्मा कोड एंड बार कोड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फार्मा कोड और बार कोड के बारे में, डिफरेंस के बारे में बता रहे हैं। जैसे फ्रेंड्स मेरा फर्स्ट डिफरेंस है कि फार्मा कोड इज नॉट ए सिमिलर टू बार कोड। फ्रेंड्स हमने पहले भी बताया था कि जो फार्मा कोड है वो बार कोड के सिमिलर नहीं है, ये बार कोड के जैसा दिखता है उसी की तरह ऐसे लाइनिंग होती है, इसमें भी थिक और थिन होता है,
बट इसकी जो स्पेसिंग होती है फ्रेंड्स वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो फार्माकोड इज नॉट सिमिलर टू बारकोड, ठीक बारकोड भी हुई है, बारकोड इज नॉट सिमिलर टू फार्माकोड। सेकेंड डिफरेंस है फ्रेंड्स, इट इज मेनली यूज इन फार्मा इंडस्ट्री टू प्रिवेंट द इंटरमिक्सिंग। फ्रेंड्स ये बड़ा डिफरेंस है, ये केवल फार्मा इंडस्ट्री में ही यूज होता है फार्माकोड, जबकि बारकोड जो है इट इज नॉट फिक्स फॉर पार्टिकुलर इंडस्ट्री, इट कैन बी यूज इन एनी कंपनीज। ये जो बारकोड होता है आपने देखा होगा कि जब आप मॉल में जाते हैं कपड़े परचेज करने के लिए तो वहां पर भी बारकोड होते हैं, जब आप कोई फूड आइटम्स खरीदते हैं उसके कार्टन के ऊपर भी बारकोड होते हैं, आप जब कोई मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन के ऊपर भी उसके कार्टन के ऊपर बारकोड होते हैं। तो इसलिए ये बारकोड जो है किसी पार्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं होता है, बट फार्माकोड जो है ये केवल फार्मा इंडस्ट्री के लिए ही होता है। थर्ड फ्रेंड्स डिफरेंस कि फार्माकोड इज वन डायमेंशनल। फ्रेंड्स फार्माकोड जो है वो वन डायमेंशनल ही होगा, बट बारकोड क्या है कि वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल। जैसे कि हमने वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल इसके पहले हमने बताया है कि दो तरीके का बारकोड होता है, वन डायमेंशनल बारकोड और टू डायमेंशनल बारकोड। तो बारकोड दोनों डायमेंशन में पाए हो सकते हैं, बट फार्माकोड क्या है ये केवल वन डायमेंशनल होते हैं। फोर्थ फ्रेंड डिफरेंस है कि फार्माकोड वैल्यू आइडेंटिफाई बाई फार्माकोड रीडर, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है फार्माकोड की, ये फार्माकोड रीडर से भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और दूसरा हम मैनुअली कैलकुलेट करके भी करते हैं। बट बारकोड का क्या है कि बारकोड रीडर से ही आपको पता चलेगा, आप उसका कोई कैलकुलेशन वैसा नहीं है कि जिससे हम लोग कैलकुलेट करके उसकी बारकोड की वैल्यू निकाल सकें। नेक्स्ट फ्रेंड्स कि फार्माकोड हैविंग टू टाइप ऑफ लाइनिंग, इसमें फार्माकोड में भी दो तरीके का लाइनिंग होती है, एक थिक लाइनिंग होता है और एक थिन लाइनिंग होता है, और इसके बीच का जो स्पेस है फ्रेंड्स, ये सारे दो बारकोड के बीच के जो स्पेस है वो सारे में इक्वल होते हैं, इक्वल स्पेस बिटवीन टू लाइंस। बट बारकोड में फ्रेंड्स बारकोड में भी थिक और थिन लाइनिंग होती है, बट इनके बीच का जो स्पेस है वो इक्वल नहीं होता। आप लोग कार्टन में प्रैक्टिकली अगर देखना होगा तो आप लोग किसी भी कोई भी कार्टन उठा करके देखिएगा, उसमें जो बारकोड्स होंगे बहुत पतले पतले लाइनिंग एक तो होते हैं, बट उनके स्पेस जो होते हैं, उनके दो बारकोड के बीच का स्पेस जो होते हैं वो भी फिक्स नहीं होते हैं, वो भी कम बेसी होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है फ्रेंड्स, फार्माकोड हैविंग नो एनी चेक डिजिट। फ्रेंड्स चेक डिजिट होता है जैसे 2, 2, 3, हर एक कंपनी का अपना अलग अलग चेक डिजिट होता है। तो फ्रेंड्स ये चेक डिजिट फार्माकोड में नहीं होते हैं, ये फार्माकोड में चेक डिजिट नहीं होते हैं, जबकि बारकोड में ये चेक डिजिट होते हैं। फार्माकोड वैल्यू, जो फ्रेंड्स फार्माकोड की वैल्यू आती है, ये फ्रेंड्स वैल्यू जब हम इसको रीड कराएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 3 से लेकर 1, 3, 1, 0, 7, 0 इतना तक ही फ्रेंड्स आएगी, इससे ज्यादा ना इससे कम इसके बीच में आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि इस तरीके से फार्माकोड में नहीं होता है, फार्माकोड में फ्रेंड्स GTIN मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी सीरियल नंबर एक्सपायरी ये सब चीजें होती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि फार्माकोड मिनिमम लेंथ इज 2 एंड मैक्सिमम 60। फ्रेंड्स इसमें जो फार्माकोड की जो लाइनिंग होती है, ये जो लाइनिंग होती है ये मिनिमम 2 और मैक्सिमम 16 इतना ही तक होगी, इससे न ज्यादा और न इससे कम। लेकिन बारकोड में फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इतना ही लाइनिंग होनी चाहिए या इतना लाइनिंग नहीं होने चाहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है, फार्माकोड इज मेनली यूज्ड फॉर इन हाउस इन्वेंट्री कंट्रोल एंड सिक्योरिटी पर्पस। फ्रेंड्स फार्माकोड को हम इंटरनेशनली यूज नहीं करते हैं, ये हम अपने कंपनी अपने कंट्री के अंदर ही जो प्रोडक्ट सेफ्टी और प्रोडक्ट मिक्सिंग से बचाने के लिए इसको हम यूज करते हैं। इट इज जबकि बारकोड फ्रेंड्स ये इन हाउस एज वेल एज इंटरनेशनल हम यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है कि इट इज नॉट यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ सेल एंड परचेज। फ्रेंड्स ये हमारा सेल और परचेज के लिए हमारा फार्माकोड नहीं यूज करते, बल्कि हमने बताया आपको कि इंटरमिक्सिंग के लिए यूज करते हैं, जबकि हमारा जो बारकोड होता है वो सेल और परचेज के लिए यूज करते हैं,
और उसमें फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जब भी आप शॉपिंग करते हैं तो वो स्कैन करता है, तो उससे हमारा फ्रेंड्स एक तो उसकी प्राइसिंग का डिटेल्स सारे निकलते हैं, और दूसरा उसका इन्वेंट्री कंट्रोल जो उसके वेयर हाउस में जो उसके स्टॉक्स हैं उसके बारे में भी पता चलता है, ठीक है। तो वो हमारा सेल और परचेज के लिए यूज करते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आपको? आई थिंक जो भी मैटर्स हमने दिया है वो अच्छा दिया है, और आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। आप इसको देखिएगा वीडियो, जहाँ नहीं समझ में आए उसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, ताकि हम और अच्छा से अच्छा इसको एक्सप्लेन कर सकें। फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।